मेरी नज़र में लक कुछ भी नहीं है। अगर आपको परफेक्ट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आपको इस तरह और इतने काबिल बना लो कि अल्लाह ताला वो चीज़ वहाँ हिस्से में खुद ही ला के रखते हैं। मेरा जिसमें मेरी मर्जी ना औरत के लिए ये बात है ना मर्द के लिए। राय मोहम्मद आलम मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल के इन्होंने इंटरव्यू के लिए टाइम दिया है और मैं इनके साथ आज थोड़ी सी गुफ्तगू करने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच राय आपके टाइम देने का। अचानक लाहौर कैसे? एक शूट के लिए आया था। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका कि आपने इंटरव्यू ले रही हैं और मुझे यहाँ अपने साथ बिठाने का मौका दिया। लाहौर मैं एक इंटरव्यू के लिए आया था और एक फ़ोटोशूट है और साथ ही साथ यहाँ पे सारे लोग हैं इतने अच्छे अच्छे, तो इन लोगों से मिलने के लिए भी। मॉडलिंग कब ज्वाइन की, ये फील्ड आपने कब ज्वाइन की और किस किस्म की फील्ड है ये? तकरीबन इस फील्ड को मॉडलिंग तो एज यूजुअल मैं मॉडलिंग तो मैंने ज्वाइन नहीं की, यानी एज सेलेब और एज एन एक्टर मैं काम करता हूँ और एक्टिंग में तकरीबन 5-6 साल हो गए। ठीक है, इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे रूमर्स होते हैं कि बहुत टफ फील्ड है, बहुत कुछ करना पड़ता है, ये वो फलां फलां, इस सब में कितनी हकीकत है? देखें, कोई भी काम, अगर आपको किसी भी काम की ऊंचाई तक पहुंचना है और आप चाहते हो कि आप टॉप ऑफ द लाइन हो, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। चाहे वो कोई भी काम हो, वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, या आप इंजीनियर हो या कुछ भी हो, तो लेकिन अगर आपको परफेक्ट होना है तो मेहनत करनी पड़ेगी और जब आप मेहनत करोगे तभी आप ऊंचाई पर पहुंच सकते हो ना। तो राइट, आपने आपको ये फील्ड कैसे, आप लकीली इसमें आए हैं या वाकई आप पैशनेट थे इस फील्ड में आने के लिए? नहीं, मुझे ये बहुत शौक था इस फील्ड में आने का और वैसे तो मैं लक को नहीं काउंट करता लाइफ के अंदर, जो कुछ होती है मेहनत होती है। लक मेरी नज़र में लक कुछ भी नहीं है, क्योंकि इकबाल का कॉल है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप को इस तरह और इतने काबिल बना लो कि अल्लाह ताला वो चीज़ वहाँ हिस्से में खुद ही ला के रखते हैं। राइट, अगर आप एक्टर ना होते तो क्या होते? मैं एक्टर नहीं होता तो डेफिनेटली मैं ये ना कहिएगा कि पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन नहीं होता, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता। अच्छा, ये याद है, बल्कि मैं आपको बताती चलूं कि रायत वैसे तो बहुत यंग लगते हैं, बहुत खूबसूरत। अभी मैं इनका थोड़ी देर पहले शूट देख रही थी, वो बहुत शानदार शूट था और याद रहे कि इनका एक 8 साल का बेटा भी है। तो रायत, ये जो एक बड़ी शॉकिंग सी चीज़ है, स्पेशली जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर लड़कियाँ, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ होगी। कभी इस तरह से कोई कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिला है? हाँ, डेफिनेटली कोई भी तस्वीर डालो तो जिन लोगों को, जो फैंस हैं मेरे, जो नए मेरे साथ अटैच होते जा रहे हैं मेरे ड्रामा के साथ साथ, इनफैक्ट मैं सबसे बड़ी मिसाल हूँ। आज मैं यहाँ तक अगर हूँ तो डेफिनेटली अल्लाह ताला के बाद मेरे माँ बाप की दुआएं हैं और उनके बाद जितना भी कुछ किया है वो मेरी वाइफ का बहुत बड़ा सपोर्ट है मुझे। क्या आप भी टिपिकल मर्दों की तरह वाइफ को मनाते? हाँ, डेफिनेटली। अगर ये ना पीछे पीछे होती है। नहीं, अगर ये ना हो तो फिर तो दुनिया नहीं चलेगी ना। एग्जैक्टली ये पॉइंट है। अच्छा राइट, मुझे ये बताइएगा, रिसेंटली अभी हमने देखा औरत मार्च निकल रहा था और औरत मार्च के अंदर बहुत सारे स्लोगन हम लोग देख रहे थे, हर एक्टर अपनी ही एक राय पेश कर रहा था, आपकी क्या राय है? देखिए, अगर सिर्फ आप औरत मार्च की बात करती हैं तो मैं उसके हक में हूँ। डेफिनेटली हमारे इस्लाम के अंदर उनका एक रुतबा है औरतों का और उनकी इज़्ज़त, डेफिनेटली हम सब का फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें, और जब हमारे नबी ने फरमा दिया तो फिर हम कौन होते हैं कुछ बोलने वाले। लेकिन इनके हुकूक कुरान और हदीस से हट के जो इनके जो दूसरे मुतालबात हैं मैं उनका साथ ही दूंगा, लेकिन जो कुरान के और हदीस के दायरे के अंदर जो रह के उनकी चीज़ें हैं, जो उनकी इज़्ज़त है, जो उनका मुकाम है, जो उनका हक है, वो डेफिनेटली उनका है। रिसेंटली जो लाहौर और कराची में देखा गया कि बहुत सारा इस मार्च के दौरान बहुत सारा डांस किया गया, बहुत सारे अजीब अजीब से रक्स पेश किए गए, आप इन सारी चीजों को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि मुख्तलिफ एक्टर्स हमारी फील्ड के ऐसे भी हैं जो कि फील्ड में एक मुकाम बना ले और मुकाम बनाने के बाद फिर उसके जहन में एक होता है कि मैं जब ये बन जाऊंगा तो फलां काम सबसे पहले रोकूंगा। शोबिज इंडस्ट्री के अंदर आप कौन सा मुकाम चाहते हैं और कौन सी ऐसी खराबी है जिसको ठीक करना आपका शायद कहीं टारगेट भी होगा? देखें, एज प्रोफेशनल अगर मैं चाहूँ शोबिज़ को ठीक करना तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि 2-3 चीज़ें हैं, नेपोटिज्म है और आप बग़ैर देखे किसी को कास्ट कर लेते, चीज़ें कर लेते हैं।
मैं कहता हूँ कि जिस तरह एक रूल होता है इंडस्ट्री का कि पहले आप ऑडिशन लेते हैं हर चीज़ के लिए, कैरेक्टर के लिए, आप ऑडिशंस लो, क्योंकि ऑडिशन से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ज़रूरी नहीं कि कोई मंझा हुआ एक्टर हो, 10-12 साल से 15 साल से काम कर रहा हो और वही सिलेक्ट हो, या नया बच्चा भी हो सकता है, या नया लड़का भी हो सकता है, नया टैलेंट भी हो सकता है। तो बेहतर यही है कि हर चीज़ का पहले ऑडिशन हो, ऑडिशन के बाद आप डिसाइड क्या करो कि किसको आना है किसको नहीं आना। इस तरह बहुत फेयर गेम हो जाएगा, हर किसी के पास एक ग्राउंड होगा और उस पर उसको खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही उठा के किसी को कास्ट कर लेते हो बगैर किसी चीज़ के, तो वो गलत है और उसका नतीजा आजकल के जो हमारे ड्रामा में हो रहा है वो आपके सामने भी मेरे सामने भी है, वो इसी वजह से हो रहा है। तो बेहतर यही है कि प्रोफेशनलिज्म के तरीके से, जो इसका वे ऑफ वर्किंग है हमारी इंडस्ट्री का, उस तरीके से हम चलें तो डेफिनेटली यार हम लोग बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। राइट, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे एक जो चीज देखने में आई है कि जो नए लोग आ रहे हैं वो बेशक मेल हो या फीमेल हो, क्या ये इस जुमले की वजह से खराब हो रही है या कुछ चंद लोग ऐसे बैठे हुए हैं, या इस फील्ड के अंदर भी कोई माफिया टाइप कुछ लोग हैं जो कि इस फील्ड को इस तरह से बना रहे हैं, ये क्या है? ग्रुप तो हर जगह होते हैं और हर जगह ये सब चीजें चलती रहती है। फैसला आपको करना है कि आपको आना किस तरीके से है। इन दी एंड आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, आपका टैलेंट बोलेगा। अगर आप किसी भी तरीके से आ भी जाते हैं इस फील्ड के अंदर और कुछ कहते हैं कि मेरा एक शूट करवा लें या फना कर लें, ढमकाना कर लें, तो वो चीज़ कितने टाइम तक चलेगी? जब तक आपके अंदर टैलेंट खुद नहीं आएगा, आप उस टैलेंट को सीखोगे नहीं, चीज़ों को करोगे नहीं, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म प्लानिंग तो हो सकती है कि 1 साल 2 साल 3 साल, उसके बाद अगर टैलेंट ही नहीं होगा तो शो क्या करोगे लोगों को? और हमारी फील्ड में तो बेसिकली शोबिज़ नाम किस चीज़ का है कि अपने टैलेंट को शो करना है, तो वो टैलेंट ही नहीं होगा तो आपके सामने होगा सब कुछ। न्यूज़ देखते हैं आप? कम, बहुत कम। आपको पता है कि इस वक्त कौन सी गवर्नमेंट है और क्या कुछ चल रहा है? ऑफ कोर्स इतना तो पता है, इतना सब कुछ तो पता है। अच्छा, तो राइट, मुझे चंद सीधा सीधा सवालों के आपने डायरेक्टली आंसर्स देने हैं। इमरान खान या नवाज शरीफ? इमरान खान। शीरी मजारी या फिरदौस आशिकवान? जानते हैं वैसे इन दोनों को। हाँ, फिरदौस आशिकवान को कौन नहीं जानता। मायरा खान या महविश हयात? मायरा खान। हॉलीवुड या बॉलीवुड? हॉलीवुड। राहत फतेह अली खान या फिर फवाद खान? राहत। ओके, तो राहत, अब मुझे ये बताइएगा, जो मैं जैसे कि अभी बात कर रही थी औरत मार्च के जो स्लोगन है, ये क्या चीज है, आप इनकी क्रिएटर्स? देखिए, मेरे अगर सबका अपना अपना मौकफ है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछती हैं तो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ना औरत के लिए ये बात है ना मर्द के लिए, क्योंकि ये जिस्म ही अल्लाह का है, तो ये अल्लाह का जिस्म है और अल्लाह की मर्जी, ये हमारा कोई हक नहीं है। हम सिर्फ यहाँ एक एग्जाम के लिए आए हुए हैं और हम उस एग्जाम को अच्छे तरीके से दे दें ताकि जब उसका रिजल्ट अनाउंस हो रहा हो तो हम सब पास हो जाएं। समझदार के इशारा काफ़ी, बहुत ही ढके छुपे अल्फाजों में मैंने बहुत अच्छी बात कर दी है। तो एग्ज़ाम से पहले जब तैयारी हो रही होती है तो हर बच्चा अपनी अपनी तैयारियां कर रहा होता है, तो बेहतर यही है हम अपनी अपनी तैयारियां करें। ये सारी चीज़ें अल्लाह की हैं और ये इसी की तरफ लौट जानी है, तो बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। राइट, आप बहुत गहरी बातें कर रहे हैं। रूटीन में हम लोग बहुत सारी खबरें देखते हैं, कभी कुछ जाती केस हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी इस तरह की बात सुन के कभी अंदर से गुस्सा आया हो कि यार मुझे ये करने का मौका मिल जाए तो मैं इसको ये सजा दिलवा दूँ, ये कर दूँ। हाँ, ऑफ कोर्स, अंदर से ऐसा कुछ फीलिंग आती है। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आजकल रेप के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों के ऊपर, ये एक इंतहाई जहालत वाला दौर है इस तरीके से, क्योंकि हम जिस माशरे में अपने बच्चों को सिक्योर करना चाहते हैं, उनका ब्रॉटअप जिस तरह हम बनाना चाहते हैं, हम उनको ले कर जाना चाहते हैं क्योंकि वो हमारे मुल्क के लिए कुछ काम करें, तो आधी से ज़्यादा आवाम के दिमाग में तो अब ये बना है दूसरे से मिल नहीं देना है। हमें इस चीज़ को छोड़ के हमें इस चीज़ को फोकस करना चाहिए कि जो ये लोग जो ये हरकतें कर रहे हैं हम उनको सज़ा दें, क्योंकि अगर हम बच्चों के ऊपर इतनी पाबंदियाँ लगा देंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाएगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल उनका लूज़ कर गया तो वो जब बड़े होंगे तो वो लोगों से बात करते हुए कतराएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में वही फीड किया हुआ होगा, इस तरह चलो उस तरह ना चलो। तो बेहतर है ये जो चीज़ जहाँ से जन्म ले रही है, जो चीज़ जहाँ से पैदा हो रही है, जो बीमारी, हम उस बीमारी को ख़त्म कर दें ताकि हम अपने बच्चों को फ्रीडम दें और उनको आगे बढ़ने के लिए, यानी बेखौफ होकर आगे वो बढ़ सकें।
राइट, आप अगर गवर्नमेंट में, अगर आप गवर्नमेंट से अगर आपको ऐसी ऑफर मिले कि आप उनके एम्बेसडर के तौर पे किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बने, तो क्या आप हिस्सा बनेंगे और क्या सोशल वर्किंग की तरफ आएंगे? जी बिल्कुल, मैं बनूंगा और मेरा जो मेन फोकस होगा वो एजुकेशन होगा और इंसानी हकूक के बारे में होगा डेफिनेटली, और बस ठीक है जी। बिल्कुल, आपने मेरी रायत के साथ गुफ्तगू सुनी है। वैसे तो बड़ी शॉर्ट गुफ्तगू थी, लेकिन सबसे जो अहम बात इनकी थी वो औरत मार्च के हवाले से थी कि औरत के हकूक ये भी मानते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीक़ों से दिए जाने वाली की जाने वाली जो हरकतें हैं वो शायद ना पूरा मुआशरा एक्सेप्ट करता है, ना खुद मेजॉरिटी जो ख़वातीन हैं वो खुद एक्सेप्ट करती हैं, और ना ही हमारा मुआशरा इन सब चीज़ों की इजाज़त देता है। सो रायत की आपने गुफ्तगू सुन लिया, इंशाल्लाह दोबारा एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।